Hi, you must be Sameer. Yeah, you must be Priya. Yeah. Please have a seat. It's so weird, right? Our friends setting up date for us. Yeah, it's kind of weird. We don't know anything about each other. अरे जनाब, हम वो बला हैं जो शीशे से पत्थर को तोड़ दें. Should we order something? Yeah, I'll have one coffee and some fries. Sure. Waiter. Hi sir. Hello ma'am. Two coffees and one French fries, please. And make sure मेरे coffee में sugar ना हो. Okay sir. Thank you. तुम diet पे हो क्या? नहीं. They use white sugar, which is not good for health. मेरे पास brown sugar होता है. I use that. उससे calories और cholesterol level भी control में रहता है. And that's how it is. Hey Priya, why don't you tell something about yourself? अरे मैं तो बिल्कुल बिंदास type की हूँ. सुबह 8 या 9 बजे से पहले उठती नहीं हूँ. उठ के सीधा जाती हूँ workout करने. फिर गर्मा गर्म जलेबियाँ खाती हूँ. उसके बाद office के ready होती हूँ और मन किया तो office भी चले जाती हूँ और फिर अरे 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 कितना बात करती है. अरे सांस तो ले ले मेरी माँ. हे भगवान, गलती कर दी डेट पे आके. बस कॉफी आ जाए, पी के निकल लूँ. अब मुझे अपने बारे में ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं. सो व्हाई डोंट यू टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ? थैंक्स फॉर दैट. आई एम अ शेफ यू नो. बचपन से कुकिंग का शौक था. माँ को देखता था कुक करते हुए, लेकिन पापा को ये सब पसंद नहीं था. ही वॉज फ्रॉम आर्मी, बहुत ही डिसिप्लिन थे. सुबह 5 बजे उठाते थे, जो आज भी मैं उठता हूँ. उसके बाद हाफ एन आवर योगा करता हूँ, उसके बाद मैं कितना पका हुआ है यार, कितना धीरे बोलता है. थोड़ी तो जल्दी बोल. हे भगवान, गलती कर दी डेट पे आके. बस कॉफी आ जाए, पी के निकल लूंगी. हे, कॉफी इज़ हियर. ग्रेट. Here are your French fries, coffee for you, and coffee for me. Anything else, sir? No, thank you. Thank you, sir. Hey, 1 minute. क्या है ये? मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि मेरे कॉफी में शुगर नहीं होनी चाहिए. आपको एक कॉफी बनाने नहीं आती? कौन है आपका शेफ? बुलाइए उसको. अरे समीर, just chill. जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी. थैंक यू मैम. सॉरी सर. ऐसे क्या देख रहे हो? डीडीएलजे का डायलॉग है. शाहरुख की मूवी, 1996 की सुपर हिट मूवी थी. डीडीएलजे 19 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई थी. हा? और सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. क्या बात है? I'm impressed. Thank you. दोस्ती का एक उसूल है मैडम. No sorry, no thank you. एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. मैंने प्यार किया. 1989. Cheers. कुछ कुछ होता है समीर, तुम नहीं समझोगे. मेरे बारे में ज्यादा मत सोचना. मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं. जिंदगी सिर्फ 3 चीजों से चलती है. एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट. और मैं एंटरटेनमेंट हूँ. और मैं एक बार जो कमिटमेंट कर लेता हूँ तो फिर खुद के भी नहीं सुनता. बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. उफ, तुम्हारे उसूल, आदर्श, किस काम के हैं सारे उसूल और आदर्श. इन्हें कौन कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती. आई, क्या बात है बच्चन साहब. आप भी कम नहीं है खन्ना साहब. बेटा, 2 coffees please. बस करो समीर बाबू, और कितना पियोगे, लीवर खराब हो जाएगा. कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो इसलिए पीते हैं ताकि आपके साथ बैठ सके, आपके साथ बात कर सके. प्रिया जी,
गया पता ही नहीं चला. तो मैं चलती हूँ. हाँ तो मैं चलती हूँ. बाय बाय बाय. समीर, अगर ये लड़की तुझसे प्यार करती है तो पलट कर जरूर देखेगी. पलट पलट पलट. वेटर, एक कप कॉफी विद शुगर. देखा, कभी कभी कुछ लव स्टोरीज फिल्मी होती हैं, और ये कुछ ऐसी लव स्टोरी है. वेटर. यस सर. टू कॉफीज प्लीज. एक और लव स्टोरी शुरू होने वाली है, आप पियेंगे? एक कप कॉफी.